हेलो दोस्तों, आज हम लालसा की कटिंग करेंगे और लगाएंगे लालसा का प्लांट। तो देखिए, ये मेरे पास एक लालसा का प्लांट है जो मैं एक छोटे से कंटेनर में लगाई हूँ। मैं ज़्यादातर प्लांट को कंटेनर में ही लगाती हूँ, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, तो उसमें से हम कटिंग करके अभी भी समर सीजन में भी हम इसको लगा सकते हैं, पर आपको एक काम करना होगा कि आप इसको कटिंग करके छाया में लगा के रखिए, और जब आप इसमें पत्ता लग आ जाए, मतलब जब ये अच्छे से इसे पत्तियाँ आने लगे, तो फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। लगभग आपको एक महीना के लिए इसको लगाने के बाद छाया में रखना होता है। देखिए, मैं इस तरह से कटिंग कर ली हूँ, और कटिंग करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे। तो मेरे पास एक और पौधा है, तो उसमें से भी मैं इसको भी कटिंग कर ले रही हूँ। ऐसे कटिंग करने से हमारा पिंचिंग भी हो जाता है और हमारा दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाता है। इस तरह से आप भी कटिंग कर लीजिए, और आप कहीं से भी कटिंग ला के अगर इसको आप धूप में रखिएगा तो इसका कलर डार्क होता है। जो मैंने लाया वो धूप में था और ये छाया में था, तो जो छाया में होता है उसका कलर लाइट हो जाता है, और जो धूप में रहता है उसका कलर डार्क रहता है। तो देखिए, ये मेरे पास एक गमला है, तो इसमें मैं इसको लगा लेती हूँ। तो इसमें जगह खाली है, बीच में अनानास है, और साइड साइड में इसमें जगह खाली है, तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। और जब इसमें अच्छे से रूट आ जाएंगे, तो एक महीना बाद हम इसको दूसरे कंटेनर या गमले में लगा लेंगे। तो आप भी इस तरह से प्लांट अभी भी समर सीजन में भी आराम से लालसा का प्लांट लगा सकते हैं, और इसको हैज के तौर पर लगाते हैं, और बहुत सुंदर लगता है। कटिंग से भी लग जाता है और कभी भी लग जाता है, बस अभी कटिंग से लगाना है तो थोड़ा आपको छाया में लगाना होगा। तो इस तरह से लगा कर और इसमें आप पानी डाल दीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय दोस्तों।